बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का न सिर्फ विरोध विपक्ष कर रहा है बल्कि आम लोग भी बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। सुपौल में लोगों ने बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार से बढ़ी दरों को वापस लेने की मांग की है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता वैष्णव गुप्ता ने। बिजली दर में जो बढ़ा है वो पूरे देश में सबसे महंगा हो जाएगा बिहार में, और ये कोसी का एरिया है सुपौल, यहाँ पूर्व रेट जो था वही रहने दिया जाए। 2 रुपये से 2.5 रुपये प्रति यूनिट बढ़ता है रेट, तो लोगों को पहुँच से बाहर हो जाएगा और गरीब लोग तो उसको नहीं पेट कर पाएंगे और बड़ी मुश्किल समस्या हो जाएगी, इसलिए रेट को पुनः जो इतना पहले था उतना ही रहने दिया जाए। ये तो जब से ये सरकार बिजली दे रही है, और पहले हम जो है सो 1000 रुपया का जो है सो रिचार्ज होता था तो 1 महीना चल जाता था, ठीक है, अब तो 200 रुपया बढ़ाते हैं तो 3 दिन चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कम करना चाहिए, सरकार से अनुरोध है इसे कम करना चाहिए। बिजली बिल कम होना चाहिए, गरीब आदमी कहाँ से हम देंगे, पेट भरवे नहीं करता तो बिजली बिल कहाँ से जमा करेंगे। जब से स्मार्ट मीटर लगा है उस समय से हम लोगों का बिल तो ऐसे बढ़ गया है, जहाँ 400 रुपया लगता था पहले हजारों का पेमेंट करना पड़ता है, अभी बिहार सरकार रेट बढ़ा दिया, हम लोग कहाँ से पेमेंट करेंगे। इसलिए हम बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं ये पुनः वापस रेट को लिया जाए और पुराने दर पे जो है बिजली लोगों को बहाल किया जाए। चलिए सीधे पटना का रुख करते हैं, सहयोगी आदित्य जहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। आदित्य, बिजली की दरें बढ़ा दी गई है, महंगाई की मार से जनता पहले ही त्राहिमाम कर रही थी, अब बिहार के वासियों पर बिजली के बिलों की बढ़ोतरी की दोहरी मार पड़ी है। देखिए दीपक, जैसे ही कल बिहार विद्युत विनियोग बोर्ड ने बिजली की दरों में बढ़ाने का जो फैसला लिया उसके बाद से ही बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सहित गठबंधन महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो भी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो CPI ML हो, RJD हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टी ने सरकार से एक और अपील की है कि जो जिस तरीके से बिजली विद्युत विनियोग बोर्ड ने रेट बढ़ाने का फैसला लिया है उसको वापस किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई से लोग परेशान है उसके बाद भी यदि बिजली की दर में 24% से ज्यादा की बढ़ोतरी की जा रही है तो वो उसका सीधा असर आम लोगों के पॉकेट पर पड़ेगा। सदन में इसको लेकर के आज बीजेपी ने हंगामा भी किया और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जिस तरीके से शराबबंदी के बाद रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जो लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ डाल रही है उसको तत्काल रोकना चाहिए और जो बिजली की दरें बढ़ाई गई है उसको वापस लेना चाहिए। वैसे कल जो ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनसे जब हम लोगों ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन अभी तक जो बोर्ड का फैसला हुआ है उसके बाद से सियासत भले ही हो रही हो लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि जो बढ़ी हुई बिजली की दर है उसको कम किया जाएगा या वापस लिया जाएगा या उस पर सब्सिडी दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आदित्य, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, तो क्या सरकार सब्सिडी बढ़ाने पर कोई विचार कर रही है? किसानों और कामगारों पर भी विशेष, गरीबों पर भी विशेष ध्यान देने की बात हो रही है, तो सब्सिडी को लेकर सरकार की कुछ तैयारी के बारे में जानकारी। देखिए दीपक, विजेंद्र यादव ने कल कहा कि सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है और उसको एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि ये आम लोगों से जनसरोकार से जुड़ा हुआ मामला है, बिजली बिल का बिल यदि बढ़ता है तो बिहार के हर लोग इससे प्रभावित होंगे और बीजेपी यह चाह रही है कि इस पर राजनीति करने का उसको मौका मिला है तो राजनीति करे, लेकिन जिस तरीके से जदयू का साफ तौर पर कहना है कि वन नेशन वन टैरिफ की मांग नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि क्योंकि केंद्र सरकार जिस रेट पर बिहार को बिजली मुहैया करवाती है उसमें संभव नहीं है कि उसी यदि बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो बहुत दिनों तक ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सरकार का यह तर्क है। लेकिन जिस तरीके से लोगों का दबाव बना है विपक्षी दलों के साथ साथ गठबंधन महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं उनका जिस तरीके से सरकार पर दबाव बना है तो उसको देखते हुए लग रहा है कि सरकार बहुत जल्द इस पर कुछ फैसला लेगी, या तो जो कॉन्सेशन रेट है, जो सब्सिडी बिहार सरकार देती है पर यूनिट बिजली पर, उसको बढ़ाया जाएगा या जितना अभी बिल जितने 24% की बढ़ोतरी की गई है